स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। गाड़ी जीप कंपास है और ये इस गाड़ी की इग्निशन की इस जगह इसका सिस्टम है पुश स्टार्ट सिस्टम। इस बटन को प्रेस करना है, सारी वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। आप सब देखोगे 58,000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, जितना भी इसका क्लच सिस्टम है वो सिस्टम इसका डिफेक्ट हो गया, गाड़ी प्रॉपर तरीके से रन नहीं हो पा रही है, ये कंडीशन है। जितना भी इसका पैडल है, क्लच पैडल को प्रेस करने में काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके क्लच पैडल इजिली प्रेस होता है। आप सब देखो बिल्कुल हार्ड हो गया, ये कंडीशन है बिल्कुल, जबकि फ्री होना चाहिए, इजिली प्रेस होना चाहिए, काफी ज्यादा हार्ड हो गया ये सिस्टम इसका क्लच पैडल का। आज की वीडियो में कंप्लीट हम क्लच सिस्टम को रिप्लेस करने वाले हैं। गाड़ी है जीप कंपास, ये सिस्टम है इसका क्लच पैडल का। आप सब देखोगे ये सिस्टम काफी ज्यादा हार्ड हो गया, ये कंडीशन है अभी इस क्लच पैडल की। इतना हार्ड होना नहीं चाहिए। अब जितना भी इसका सिस्टम होता है क्लच सिस्टम, वो धीरे धीरे सिस्टम डिफेक्ट होता है। ये नहीं होता कि ये सिस्टम एक बैग खराब हो जाए, जैसे जैसे गाड़ी चलती है रन होती है उस कंडीशन में वो सिस्टम धीरे धीरे डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब सिस्टम बिल्कुल हार्ड हो गया, जितना भी इसका प्रेशर प्लेट है वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, और जितना भी इसका प्लेट है क्लच प्लेट वो सिस्टम प्रॉपर तरीके से फ्री नहीं हो पाता। जो प्रेशर प्लेट है, एक तो फिंगर काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट हो गए हैं उसके, जिसकी वजह से जितना भी सिस्टम बिल्कुल हार्ड हो गया है। इतना हार्ड होना नहीं चाहिए था, अगर ज़्यादा हार्ड होगा जितना भी सिस्टम है और भी सिस्टम डिफेक्ट हो सकते हैं। जितना भी इसमें सिस्टम दिया गया क्लच का, हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया इसमें क्लच का, वो सिस्टम भी डिफेक्ट हो सकता है, अगर ज़्यादा और हार्ड हो जाएगा जो लाइन है वो फट भी सकती है, ये भी कंडीशन हो सकता है। अभी कंप्लीट सिस्टम को रिप्लेस करेंगे। गाड़ी है जीप कंपास। इस जगह इसका लीवर होता है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं, और ये इस गाड़ी की इग्निशन की। इस जगह इसका लीवर होता है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं। फ्रंट में इसका इंजन दिया जाता है, मल्टी जेड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है, 16 वाल्व डीजल इंजन। इस जगह इसका सिस्टम है बैटरी का, आप सब देखोगे। इस जगह इसका ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये कंप्लीट सिस्टम रिमूव किया जाएगा, जितना भी क्लच सिस्टम होता है वो इंजन ब्लॉक और ट्रांसमिशन के बिल्कुल सेंटर में टाइट होता है, इसका फ्लाईव्हील पे वो सिस्टम होल्ड होता है इसका क्लच सिस्टम। और आज की वीडियो में कंप्लीट उस पार्ट्स को रिप्लेस किया जाएगा। गाड़ी है जीप कंपास। इस जगह इसका सिस्टम है बैटरी का, आप सब देखोगे। सबसे पहले इसके नेगेटिव टर्मिनल्स को रिमूव करेंगे, इग्निशन ऑफ होना चाहिए कभी भी आप कोई भी सिस्टम रिमूव करते हो उस कंडीशन में। उसके बाद जितनी फिटिंग है धीरे धीरे सारी रिमूव करते चलेंगे, जितनी भी इस जगह की फिटिंग है, आप सब देखो इस जगह की फिटिंग है, हाफ इंजन कंप्लीट रिमूव हो जाएगा लेफ्ट साइड से। इस जगह से अभी आप सब देखोगे बैटरी कंप्लीट रिमूव किया जाएगा, जितना भी सिस्टम है इसका, आप सब देखो इस जगह आपको ईजिली दिखेगा ये सिस्टम कम्प्लीट रिमूव किया जाएगा। गाड़ी है जीप कंपास। इस जगह इसका टर्मिनल से आप सब देखो नेगेटिव, और इस जगह इसका पॉजिटिव सिस्टम है। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा कवर रहेगा, पूरा बिल्कुल सेफ रहेगा ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। इस जगह सबसे पहले इसका नेगेटिव टर्मिनल्स को रिमूव करना है, उसके बाद कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट सिस्टम को रिमूव कर लेना है इंजन कंपार्टमेंट से। आप सब देखोगे इस जगह इसकी कूलेंट की और रिजर्व बोतल है। जैसे ही आप नेगेटिव टर्मिनल्स को रिमूव करते हो तो जितना भी सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हर सेंसर की सप्लाई का कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो आप हर सिस्टम को ईजिली टच कर सकते हो, नहीं तो जो सिस्टम है वो डिफेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो काफ़ी केयरफुल तरीके से सिस्टम को रिमूव करना है, किसी भी सिस्टम को डेड नहीं करना है। ये आप सब देखोगे इस जगह इसका सिस्टम है, फ्रंट के टायर्स दोनों सिस्टम कम्प्लीट रिमूव किए जाएंगे, एक्सल्स रिमूव किए जाएंगे, और भी फिटिंग है जो सिस्टम कम्प्लीट रिमूव किया जाएगा। सबसे नीचे ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन से नीचे ड्रेन प्लग है, ड्रेन प्लग में जितना भी ट्रांसमिशन ऑयल है टोटली सारा रिमूव किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी फिटिंग है धीरे धीरे सारी फिटिंग रिमूव करते चलेंगे। गियर सिलेक्टिंग वायर है, आप सब देखोगे इस जगह ये सिस्टम रिमूव किया जाएगा, कंप्लीट इसका सिस्टम रिमूव किया जाएगा। हाइड्रोलिक क्लच सिलेंडर, डबल इसमें सिलेंडर दिए जाते हैं, एक ट्रांसमिशन पे सिस्टम फिट होगा, एक पैडल पे सिस्टम फिट होगा। करते हैं सिस्टम को रिमूव। गाड़ी है जीप कंपास।
ये आप सब देखो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। अब जितने बैटरी ट्रीज हैं ये सिस्टम कंप्लीट रिमूव करना है और जितनी फिटिंग है धीरे धीरे सारी रिमूव करते हुए चले जाना है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है इसका ट्रांसमिशन करना। मल्टी जेट इंजन है जो फीएट प्रोवाइड करती है। इंजन आप सब देखो फीएट पुन, तो उस इंजन पे भी मल्टी जेट सिस्टम लिखा रहता है। ये आप सब देखो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया इस जगह का सिस्टम था ट्रांसमिशन का, वो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह का ट्रांसमिशन सिस्टम है, इस सिस्टम को रिमूव करने के लिए जितना भी चेसिस सिस्टम है इस सिस्टम को रिमूव करना पड़ता है। ये आप सब देखो इस जगह का ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह की बैरिंग है जो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया और इस जगह की फ्लाई व्हील है। ये आप सब देखोगे ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस नहीं किया जाएगा, अभी पार्ट्स चल जाएगा, इस पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना भी सिस्टम था कलच सेट का वो सिस्टम कंप्लीट रिप्लेस किया जाएगा कलच सेट कलच बैरिंग। आप सब देख रहे गाड़ी है जीप कंपास, कंप्लीट सिस्टम रिमूव कर लिया गया। इस तरीके से कंप्लीट सिस्टम ट्रांसमिशन का उस सिस्टम को रिमूव करने के बाद ईजिली इसका कलच सिस्टम रिमूव हो पाता है। आप सब देखोगे जितना भी सिस्टम था नीचे का टोटली सारी सिस्टम रिमूव कर लिए गए। चेसिस सिस्टम जिस पे कंप्लीट सस्पेंशन सिस्टम होल्ड होता है वो सिस्टम रिमूव कर लिए गए, तब जाके इसका ट्रांसमिशन सिस्टम इजीली रिमूव हो पाता है। ये आप सब देखो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह का सिस्टम था जो कंप्लीट रिमूव कर लिया गया कलच सेट। इस जगह सिस्टम इसका फिट था फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील पे कंप्लीट सिस्टम इसका होल्ड होता है वो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह इसका ट्रांसमिशन है आप सब देखो सेंटर में इसकी कलच बैरिंग है और इस जगह इसके पार्ट्स हैं जो कंप्लीट रिप्लेस किए जा रहे हैं। क्लच प्लेट ये पार्ट्स रिप्लेस किया जा रहा है और प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट और क्लच रिलीज बैरिंग ये आप सब देखोगे ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किए जा रहे हैं। गाड़ी है जीप कंपास, इस गाड़ी का रिप्लेसमेंट पार्ट होता है जिसमें इसका मटेरियल होता है फ्रिक्शन मटेरियल जो लेदर का मटेरियल होता है। ये सिस्टम कंप्लीट डेड हो जाता है जब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चलती है, उस कंडीशन में कंप्लीट सिस्टम डेड हो जाता है। आप तो देखो कंप्लीट सिस्टम तीनों सिस्टम कंप्लीट सेट रिप्लेस करने पड़ते हैं उस कंडीशन में कभी भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है। अभी आप सब देखोगे इसके चार एक दो तीन चार छः फिंगर इसके डाउन होंगे, बाकी जितने भी फिंगर हैं वो अपसाइड डायरेक्शन में उठे होंगे। आप सब देखो इस तरीके से ये छह फिंगर अलग से रहेंगे, बाकी जितने भी फिंगर है एक लाइन से होंगे। आप सब देखोगे ये कंडीशन है इन सिस्टम में, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम इनके एडवांस है और फिटिंग भी उस हिसाब से इनकी दी जाती है। गाड़ी है जीप कंपास और आज की वीडियो में कंप्लीट हम इसका क्लच सिस्टम रिप्लेस करने प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट और क्लच रिलीज बैरिंग ये आप सब देखोगे ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। गाड़ी है जीप कंपास।
ये इस गाड़ी का रिप्लेसमेंट पार्ट होता है, जो सिस्टम कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है, क्लच बैरिंग और इस जगह इसका डिफेक्टिव पार्ट, जो सिस्टम कंप्लीट रिप्लेस किया जाएगा। करते हैं सिस्टम को कंप्लीट फिट, फिर आपको आगे दिखाते हैं। इस जगह इसका पूरा सिस्टम है, जो कंप्लीट सिस्टम ट्रांसमिशन का वो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। काफ़ी फिटिंग होती है इन गाड़ियों में इन ट्रांसमिशन को रिमूव करने के लिए, जितना भी चेसिस का सिस्टम होता है, सस्पेंशन सिस्टम, टोटली सारा सिस्टम बॉडी से अलग करना पड़ता है। इस तरीके से आप सब देखो, ये सिस्टम इसका सस्पेंशन का, ये सिस्टम बिल्कुल बॉडी से अलग कर लिया गया है। करते हैं सिस्टम को कंप्लीट फिट। गाड़ी है जीप कंपास। देखो इसका फ्लाईव्हील सिस्टम है, ड्यूअल फ्लाईव्हील सिस्टम होता है, कंप्लीट सिस्टम। आप सब देखो इस तरीके से रोटेट भी होता है, कंप्लीट सिस्टम इसका होल्ड है। जो सिस्टम है क्रैंकशाफ्ट, वो आप सब देखो बिल्कुल सेंटर में फिक्स है, और कंप्लीट इसका क्लच सिस्टम, फ्लाईव्हील सिस्टम, ये रोटेट हो रहा है। आप सब देखो इसमें ड्यूअल फ्लाईव्हील होता है, इस तरीके से सिस्टम आप सब देखो। इस सिस्टम को भी चेक करना पड़ता है, ये सिस्टम डिफेक्ट ना हो, नहीं तो कंप्लीट सिस्टम इसका रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका फ्लाईव्हील भी वो सिस्टम अभी प्रॉपर है, बाकी पूरा सिस्टम इसका कंप्लीट फिट करता है। काफी भारी सिस्टम ये है, अगर हाथ पैर पे गिर जाए तो सीट बुक कर लेना अपने हॉस्पिटल में। ये आप सब देखो सिस्टम कंप्लीट रिप्लेस कर दिए गए फाइनली। अब जितनी फिटिंग है ट्रांसमिशन की, इस सिस्टम को कंप्लीट फिट किया जाएगा इसके इंजन ब्लॉक साइड पे। आप सब देखो राइट साइड की, लेफ्ट साइड की जितनी फिटिंग है टोटली सारी कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले अब हम कंप्लीट इसका ट्रांसमिशन को फिट करेंगे। इस जगह इसका पार्ट था जो कंप्लीट रिप्लेस किया गया, इसका क्लच सिस्टम, ये पार्ट बिल्कुल डिफेक्ट हो गया था। करते हैं सिस्टम को कंप्लीट, इसके ट्रांसमिशन को इस जगह कंप्लीट लेफ्ट साइड में फिट। ये आप सब देखो ये पार्ट से जो कंप्लीट रिप्लेस किया गया, गाड़ी है जीप कंपास डीजल इंजन, मल्टी जेट 16 वाल डीजल इंजन। ये पार्ट से जो कंप्लीट रिप्लेस किया गया, इस जगह इसकी क्लच बैरिंग है। करते हैं सिस्टम को कंप्लीट फिट। ये
ये आप सब देखो ट्रांसमिशन सिस्टम कंप्लीट फिट कर दिया गया। इस जगह जितना भी सिस्टम था इसका ट्रांसमिशन का वो सिस्टम कंप्लीट फिट कर दिया गया, कंप्लीट सिस्टम को होल्ड कर दिया गया इसकी माउंटिंग्स पे। आप सब देखोगे इस जगह इसकी ट्रांसमिशन माउंटिंग है और जितना भी सिस्टम है टोटली सारा होल्ड कर दिया गया इसके माउंटिंग्स पे। ये आप सब देखो स्पेशल बोल्ट दिए गए जो स्पेशल टूल की हेल्प से रिमूव किए जाते हैं। अब जितनी भी फिटिंग है धीरे धीरे सारी कंप्लीट करनी है, इसके वायर्स है, गियर सिलेक्टिंग वायर, सब फिटिंग को कंप्लीट करनी है। इस जगह इसका चेसिस सिस्टम है जो सिस्टम कंप्लीट रिमूव किया गया था इसके ट्रांसमिशन सिस्टम को रिमूव करने के लिए। या तो देखो इस जगह इसका ट्रांसमिशन सिस्टम है, कभी भी सिस्टम रिमूव होता है तब उस कंडीशन में जितना भी चेसिस सिस्टम है टोटली सारा रिमूव करना पड़ता है। अब ट्रांसमिशन की फिटिंग टोटली कंप्लीट हो गई है, अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है जितना भी चेसिस सिस्टम है इसका, इस सिस्टम को कंप्लीट इसकी बॉडी पे होल्ड करेंगे। कंप्लीट चेसिस सिस्टम होता है जिसपे कंप्लीट सस्पेंशन सिस्टम होल्ड होता है। आप सब देखो डबल आर्म है, रैक असेंबली, जंपिंग रॉड और लिंकेज, ये सिस्टम कंप्लीट होल्ड होते हैं। और इस जगह जो नीचे आप सब देखो जॉइंट देख रहे हो, इस जगह कंप्लीट सिस्टम होल्ड होगा इसका नक्कल का इस तरीके का। करते हैं सिस्टम को कंप्लीट फिट। गाड़ी है जीप कंपास डीजल इंजन, इस जगह इसका सिस्टम था कलर सिस्टम, वो सिस्टम का डिफेक्ट हो गया था। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट उस सिस्टम को रिप्लेस किया है। अब फिटिंग जितनी है धीरे धीरे सारी कंप्लीट करते चलते हैं। अभी इसके पाइप भी लगाए जाएंगे हाइड्रोलिक लाइन्स की, फिर कंप्लीट सिस्टम में एयर ब्लीडिंग की जाएगी। इस जगह इसका कलर सिस्टम होता है, जितना भी सिस्टम होता है जो वर्क करता है वो हाइड्रोलिक बेस पे वर्क करता है। इस जगह इसका सिस्टम दिया गया हाइड्रोलिक, सेंटर में इसके ट्रांसमिशन की हाइड्रोलिक क्लच बैरिंग दी जाती है। वो सिस्टम जब कभी भी आप रिप्लेस करते हो उस कंडीशन में कंप्लीट सिस्टम को एयर ब्लीडिंग करना पड़ता है। ये आप सब देखोगे इस जगह इसका डस्ट कैप लगा होता है इस तरीके का डस्ट कैप होता है। इस सिस्टम को कंप्लीट कैप को रिमूव करना पड़ता है ताकि डस्ट वगैरह अंदर सिस्टम को हिट या डिफेक्ट ना करे। इस जगह आप सब देखोगे ये सिस्टम है इसका लॉकिंग का, इस लॉकिंग सिस्टम को अंदर प्रेस करना है और इस सिस्टम को बाहर की तरफ खींचना है। इस लॉक सिस्टम को अंदर की तरफ प्रेस करना है और जो पाइप है इस पाइप को हल्का सा बाहर करना है, ज़्यादा नहीं पाइप बाहर ना है। ये आप सब देखोगे हल्का सा बाहर आ गया, इस तरीके से इस सिस्टम को छोड़ देना है और कंप्लीट जो सिस्टम है इसमें से एयर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप सब देखोगे इसमें से फ्यूल डाल रहा है, जब कंप्लीट सिस्टम में से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे मेन जितना भी सिस्टम है इसमें कंप्लीट एयर ब्लीडिंग हो जाएगी। अभी आप सब देखोगे इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गया सिस्टम में से और कंप्लीट सिस्टम को चेक करते रहना है, इसके ब्रेक फ्यूल को, रिजर्व बोतल को, इसमें फ्यूल कम नहीं होना चाहिए नहीं तो एयर बबल ज़्यादा आ जाएंगे। फिर कंप्लीट लाइन में एयर ब्लीडिंग करनी पड़ेगी इसके ब्रेकिंग सिस्टम में और हाइड्रोलिक जितने भी सिस्टम है टोटली सब सिस्टम में एयर ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। जब कंप्लीट सिस्टम में बबल्स आना बंद हो जाए तो कंप्लीट सिस्टम को प्रेस कर देना अंदर की तरफ, पुश कर देना इस पाइप्स को, जितना भी सिस्टम है वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद इसमें से एयर बबल्स रिमूव नहीं होगी। अभी इसमें कोई भी बबल्स नहीं आ रहे हैं, जितना भी सिस्टम है वो एयर ब्लीडिंग हो गया है। इस पाइप को अंदर की तरफ पुश करना है, ये आप सब देखोगे सिस्टम पुश हो गया और लॉक हो गया। अब ये बाहर की तरफ नहीं आएगा, ना ही पाइप रिमूव हो पाएगा, कंप्लीट सिस्टम लॉक। इस तरीके से हम इसकी एयर ब्लीडिंग करते हैं। कंप्लीट सिस्टम एयर ब्लीड हो जाए तो कंप्लीट डस्ट कैप को फिट कर देना है इसकी पोजीशन पे। आप सब देखोगे आप जितना डस्ट वगैरह इस सिस्टम के अंदर इंटरनल पार्ट्स को हिट नहीं करेगा। ये आप सब देखोगे कंप्लीट सिस्टम एयर ब्लीडिंग कंप्लीट हो गई। ए बी सी एक्सेलेटर ब्रेक एंड क्लच पैडल, क्लच पैडल पे वो सिस्टम दिया गया इसका हाइड्रोलिक का। अभी आप सब देखोगे सिस्टम इजीली प्रेस होगा और डी प्रेस होगा, जितना भी सिस्टम है वो कंप्लीट एयर ब्लीडिंग हो गया है। अगर एयर ब्लीड नहीं होगा सिस्टम तो जितना भी ये पैडल है ये बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेस करोगे तो वो सिस्टम वहीं होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा पूरा सिस्टम। अभी आप सब देखोगे सिस्टम रिटर्न भी आ रहा है, मेन जितना भी सिस्टम है वो प्रॉपरली कर रहा है। इसका सिलेंडर डबल इसमें सिलेंडर दिया जाता है, एक अपर सिलेंडर है, एक ट्रांसमिशन के अंदर सिलेंडर दिया गया है। इसमें दो हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं, बीच में एक हाइड्रोलिक प्रेशर की लाइन यूज़ की जाएगी जो कनेक्शन को कनेक्ट करके रखती है इसके दोनों सिलेंडर को। आप सब देखोगे सिस्टम ईजिली वर्क कर रहा है, सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से हम एयर ब्लीडिंग करते हैं। गाड़ी है जीप कंपास, ये
ये आप सब देखो गाड़ी फाइनली कंप्लीट हो गई और इंजन स्टार्ट है। आप सब देखो ये कंडीशन है अभी इस गाड़ी की, जितना भी सिस्टम था इसका, कलर सिस्टम, क्लच बैरिंग, टोटली पार्ट्स और रिप्लेस कर दिए गए। गाड़ी थी जीप कंपास और आज की वीडियो में कंप्लीट हमने इसका क्लच सिस्टम और रिप्लेस किया है, क्लच सेट, क्लच बैरिंग और जितना भी सिस्टम था टोटली सारा एयर ब्लीड कर दिया गया है। जितना भी सिस्टम होता है इसका टोटली सारा हाइड्रोलिक बेस्ड होता है इसका सिस्टम, क्लच सिलेंडर टोटली सारा हाइड्रोलिक बेस्ड होता है, उस सिस्टम को कंप्लीट ब्लीड कर दिया गया है रिप्लेस करने के बाद। क्लच सेट, क्लच बैरिंग ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किए गए। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, जितना भी सिस्टम था बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। अभी आप सब देखोगे ये इजिली प्रेस होगा एक पैर से, अभी आप सब देखोगे इजिली प्रेस हो रहा है। पहले काफ़ी ज़्यादा इसमें फोर्स लगाना पड़ता था तब हम गाड़ी के क्लच को प्रेस एंड डी प्रेस करते थे उस कंडीशन में। अभी आप सब देखोगे ये इजिली प्रेस हो रहा है, पहले तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत थी तब जाके ये सिस्टम इजिली प्रेस होता। अब तो अब पैर रखो ये सिस्टम इजिली प्रेस होगा, ये आप सब देखोगे पहले और अब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जितना भी सिस्टम था टोटली सारा डिफेक्ट हो गया था। और गाड़ी है जीप कंपास